वर्ष 2014 में आई निर्देशित मोहित सूरी की फिल्म एक विलन के सीक्वल के लिए चल रही मुख्य कलाकारों की खोज अब खत्म हो चुकी है। मुख्य किरदारों के रूप में जॉन अब्राहम, दिशा पाटनी और आदित्य रॉय कपूर को मोहित ने पहले ही फिल्म में जगह दे चुके हैं। अब आदित्य के साथ महिला मुख्य किरदार के रूप में उन्होंने युवा अभिनेत्री तारा सुधारिया को चुना है। एक विलन फ्रेंचाइजी में तारा के दाखिल होने के साथ ही मोहित सूरी की टीम पूरी हो चुकी है। अब वे इस साल के मध्य तक एक विलन 2 की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। ज्ञात है कि तारा एक पेशेवर गायिका है और इस फिल्म में भी तारा एक गायिका का किरदार निभाने वाली है। फिल्म में तारा के चयन पर मोहित सूरी ने कहा, एक फिल्मकार के लिए किसी कलाकार को एक संगीतकार के रूप में डालना बहुत मुश्किल रहता है। तारा पहले से ही एक पेशेवर गायिका है, इस लिहाज से निर्देशक के लिए अच्छी बात है कि क्या हो सकता है। तारा की आवाज़ आज की पीढ़ी को अपने साथ जोड़ती है, यही वे कलाकार है जिसकी ज़रूरत मेरी फिल्म में इस किरदार को थी। खबर है कि मोहित सूरी खलनायकों की एक अलग सी दुनिया बनाने की फिराक में है। एक विलन 2 इसी की दिशा में एक कदम है। निर्देशक के करीबी एक सूत्र ने बताया, हम अब तक सुपर हीरो और पुलिस की दुनिया को ही फिल्मों में देखते हैं, लेकिन अब मोहित सूरी इस फ्रेंचाइजी के साथ इंसानों के व्यवहार के अंधेरे पहलू को भी पर्दे पर उतारना चाहते हैं। उनकी ये कोशिश है कि आगे जाकर भी जारी रहेगी। बता दें कि इस फिल्म को भूषण कुमार और एकता कपूर मिलकर निर्मित कर रहे हैं। निर्माताओं की घोषणा के तहत ये फिल्म अगले साल 8 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। तो दोस्तों, देखना ये होगा कि ये फिल्म दर्शकों के दिलों में राज कर पाएगी या नहीं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।